ये तस्वीरें लखनऊ के अकबर नगर की हैं। 21 दिसंबर की सुबह 10 बजे अकबर नगर एरिया पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका था। इस एरिया की तरफ आने वाले दोनों तरफ के रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और एलडीए प्रशासन पूरी तैयारी के साथ लाल निशान पर बुलडोजर चला रहा था। इसी बीच बवाल बढ़ा और पुलिस की टीम ने लाठी चार्ज कर दिया। कुछ स्थानीय नेताओं ने विरोध करने की कोशिश की तो उन्हें भी लपेटे में लिया गया। आपको बता दें कि गुरुवार यानी 21 दिसंबर को सुबह जब जिला प्रशासन, एलडीए, नगर निगम और पुलिस विभाग के अफसर बुलडोजर लेकर अकबर नगर पहुंचे तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले प्रशासन ने अकबर नगर में बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए। एलडीए ने सुबह 10 बजे से ही इमारतें तोड़नी शुरू कर दी थी, मगर करीब 3 बजे कोर्ट के आदेश आते ही बुलडोजर कार्रवाई रोक दी गई। इस बीच कई लोगों ने सामान समेटकर अकबर नगर छोड़ दिया था, बाकी लोग कार्रवाई के विरोध में डटे रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस, पीएसी बल और सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। कुकरैल रिवर फ्रंट को विकसित करने के लिए अकबर नगर में जो अवैध बस्तियां हैं, जो घर हैं, उनको हटाने के लिए एक नोटिस दिया जाता है। नोटिस दिए जाने के बाद समय दिया जाता है, फिर एक दिन बुलडोजर पहुंचता है और एक्शन करता है। फिर यहाँ के लोग लखनऊ हाईकोर्ट जाते हैं, जहाँ उनको 20 दिसंबर तक का समय दिया जाता है। लेकिन 20 दिसंबर तक का समय जब ख़त्म होता है और आज तारीख होती है 21 दिसंबर की, तो एक बार फिर अकबर नगर बस्ती में यहाँ पर तमाम बुलडोजर्स, तमाम पुलिस वाले, तमाम एलडीए के अधिकारी यहाँ वापस से अकबर नगर में उपस्थित हो जाते हैं। आते तो हैं और कई जगह बुलडोजर भी चलाते हैं, कई जगह एक्शन भी होता है, वो भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। वो तस्वीर आपको कैसे दिखाऊंगा, यहाँ आप मेरे साथ आएंगे अगर तो देखेंगे तमाम भीड़ है। यहाँ पूरे जो लोकल्स हैं वो यहाँ पर उतरे हुए हैं, बड़े बड़े बुलडोजर आए हुए हैं। इस तरफ से अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो आपको दिखाऊंगा यहाँ पर सामने की तरफ जो कट के मार्क्स लगे हैं, ऊपर की तरफ आप देखेंगे वो चिन्ह है, यानी कि इन सब दुकानों पर बुलडोजर चलना है। ये सब अवैध तरीके से यहाँ बनाई गई हैं। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने कहा कि याची जमीन पर अपना स्वामित्व साबित नहीं कर सके हैं, मगर वो उस पर लंबे समय से काबिज हैं, ये साबित है। ऐसे में बिना उन्हें पुनर्वासित किए कार्रवाई नहीं चल सकती। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। लखनऊ से समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।